तो दोस्तों स्वागत है आप सबको हमारी आज के एक नई वीडियोस पर। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियोस बनाया था कि उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि आप अपने फ़ोन को जो है आप कंप्यूटर या लैपटॉप के जैसा कैसे बना के यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने बताया था कि उस वीडियो पर कि आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर या लैपटॉप के तरह बना करके कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उस वीडियो पर आप लोगों को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला, यानी कि 60,000 प्लस उस पर व्यूज चले गए दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे। इसी तरह मैंने बताया था दोस्तों कि आप लोग अपना इस तरह जो है कंप्यूटर के जैसा कैसे आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने फोन को, यानी कि आप अपने कुछ देर के लिए आप अपने फोन को ही कंप्यूटर के तरह बना सकते हो। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बहुत सारा मिला दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में मैंने कॉमेंट सबको पढ़ा, कॉमेंट सबको देखा, तो बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि भाई मैंने तो अपना फोन को कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा बना दिया, लेकिन फिर मैं अपने फोन जो है होम स्क्रीन पर कैसे जाऊँ, यानी कि वापस मैं अपने कंप्यूटर से फिर अपने मोबाइल पर कैसे कन्वर्ट करूं। तो दोस्तों मैंने इस पर बहुत सारे मैंने कमेंट को देखा, मैंने बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन देखा, तो मैंने सोचा कि उन्हें एक वीडियोस बना दिया जाए। फाइनली मैं वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों कि आप अपने फोन को अगर इस तरह के कंप्यूटर या लैपटॉप के जैसा आपने बना दिया है, तो दोस्तों आप फिर से जो है किस तरह आप अपने फ़ोन को जो है होम स्क्रीन पर कैसे आ सकते हो, यानी कि आपने तो अपने फ़ोन को कंप्यूटर के जैसा बना दिया, अब विंडो 7 या विंडो 10 भी यूज कर सकते हो दोस्तों इस तरह के ट्रिक के आजमा के। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि मैं अपने फ़ोन को कंप्यूटर या लैपटॉप के जैसे बना के यूज करूँ, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख कर आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर या लैपटॉप के जैसे बना के आनंद ले सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों कुछ देर के लिए आपको एहसास तो होगी दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपने अगर बना दिया है तो आप फिर से वापस किस तरह आप अपने फ़ोन पर जो है फिर होम स्क्रीन पर आ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों फिर से कि आप जो है वापस अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर किस तरह आ सकते हो। तो दोस्तों होम स्क्रीन पर आना बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इस तरह जो है आप अपने फ़ोन को विंडो 7 भी बना सकते हो, कुछ इस तरह आप यहां देख पा रहे हो दोस्तों, इस तरह जो है विंडो 7 भी बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह जो है आप अपने फ़ोन को जो है कंप्यूटर तो आपने बना दिया, लेकिन फिर से वापस आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ सकते हो, इसके लिए बिल्कुल ईजी है दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, आपको करना क्या होगा, यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ आप लोगों को दिखा दूँ दोस्तों कि यहाँ जो है यूजर लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको इसी यूजर में आपको क्लिक करना है। तो सिंपल तरीका से मैं यहां क्लिक कर देता हूं दोस्तों, जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपको फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह जो है आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बस आपको यहां आना है और आपको यहां जो लिखा हुआ फोर्स स्टॉप को आपको जो है फोर्स स्टॉप में आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहां क्लिक कर देता हूं दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों उसके बाद जो है ओके का ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, तो आप इधर देख पा रहे हैं दोस्तों कि आप जो है अपने फ़ोन के फिर होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप कंप्यूटर बना के इंजॉय ले करके फिर आपस आप अपने फ़ोन को होम स्क्रीन पर इस तरह के एकदम बिल्कुल एक स्टेप में वापस आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ तो विंडो 7 का जो है वॉलपेपर लगा हुआ है दोस्तों, आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। सिंपल तरीका से आप अपने फ़ोन को जिस तरह वॉलपेपर जो लगाते हैं ना, उस तरह लगा के आप अपने फ़ोन को फिर से वापस जो है आप अपने फ़ोन को होम स्क्रीन बना सकते हो दोस्तों। आज के वीडियो में बस यही थी दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को कमेंट पड़ा कि भाई फिर से वापस जो है आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर कैसे आए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो से ही बना दिया जाए। तो बस आज के वीडियो में यही थी, उम्मीद है कि वीडियो जानकारी पसंद आई है दोस्तों। पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ यूट्यूब से जुड़ी और इस तरह के ट्रिक ट्रिप्स मिलते रहता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कंटेंट वीडियोज लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत।